इंट्रोडक्शन दे दो हिंदी में दीजिएगा इंग्लिश हिंदी में। हाँ हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दो, योर नेम, कहाँ से आप खेलते हो, कब से खेल रहे हो। मेरा नाम राकेश कुमार पात्रा है और मैं 17 इयर्स से जिमनास्टिक कर रहा हूँ और मैं इंडियन नेवी में 2010 में भर्ती हुआ था और अभी उसी बेसिस पर हम लोग सर्विसेज के थ्रू आ रहे हैं, जिमनास्टिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खेल रहे हैं उसके बेसिस पे सर्विसेज के। कितने साल से आपने ट्रेनिंग शुरू की, कैसे जिमनास्टिक में आना हुआ? जिमनास्टिक में मैं जब 1999 मैं छोटा था तब मेरे जो अंकल हैं तो वो उन्होंने मेरे को भर्ती करवाया जिमनास्टिक में, वो भी इंडिया चैम्पियन रह चुके हैं जिमनास्टिक का, तो उन्होंने उनके बेसिस पे आया मैं जिमनास्टिक को। तो 2002 में मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया था, उड़ीसा स्टेट से तरफ से मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया था सब जूनियर में और 2003 में मैंने मेडल लिया था, फर्स्ट मेडल था मेरा वो जो कि 2003 हैदराबाद नेशनल में सब जूनियर नेशनल था, तब मैं बहुत छोटा था। फिर 2004 में हंगेरी के लिए सिलेक्शन ट्रायल हुआ था, जैसे इंटरनेशनल मेमोरियल कप था एक हंगेरी में, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हुआ था पर लेकिन टीम नहीं जा पाई थी उस समय, पता नहीं किस वजह से पर आज तक भी नहीं पता चला, पर टीम नहीं जा पाई थी। तो 2005 में मेरे सिलेक्शन नहीं हुए थे, तभी मैं छोटा था पर लेकिन नेशनल में मेरे ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल आते थे पर मैं बहुत मेहनत करता था, तो उस समय ऐसा लगता था कि यार सब मुझे बोलते थे क्या तू गोल्ड मेडल कब लाएगा कब लाएगा, तो थोड़ा ऐसा फील हो रहा था अपने आप में कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए ये वो। तो जब 2006 में मैंने ऑलराउंड में सेकंड हुआ था वहाँ और पहला गोल्ड मेडल लिया था मैंने मेरे अपरेटस रोमन रिंग पे, तो काफ़ी अच्छा लगा था उस समय और हंगेरी के लिए सिलेक्शन हुआ था, फिर हमने गया था हंगेरी में भी हमने मेडल जीता था ब्रॉन्ज मेडल। फिर 2007 में मेमोरियल कप में मैं बेस्ट जिमनास्ट बना था और 2008 में मैं सब जूनियर बेस्ट चैम्पियन जूनियर बेस्ट चैम्पियन हुआ, फिर 2009 में भी जूनियर बेस्ट चैम्पियन हुआ था, वो उड़ीसा में हुआ था कंपटीशन कटक में, तो उस समय मेरे 5 गोल्ड और 2 सिल्वर थे। फिर 2010 में जब हम लोग का दिल्ली में होने वाला था कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन 2009 से रहा, तो हम लोग गए तो हम लोग को बोला गया कि तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप लगेगा फ्रांस और लंदन, तो उसके लिए तुम प्रिपेयर करो और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 7 लड़के सिलेक्ट होंगे। तो उस समय मेरे जब सीनियर में आया तो पहला सीनियर है मेरा 2010 में, तो मैं 7वें नंबर पे था, तो सिर्फ 7 ही लड़के जाएंगे उस समय पर, लेकिन वो लोग मेरे को ले नहीं गए, वो 6 लड़के लेके गए थे। फिर उसके बाद 2000 वो कंपटीशन के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2009 में जो पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था हमारा, इंडिया टीम पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे जिमनास्टिक से, तो वो बहुत वो लोग मेरे में भी फील हुआ मैं भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलना चाहता हूँ पर लेकिन खेल नहीं पाया था। फिर उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, फिर एशियन गेम्स हुआ, तब मैंने उस समय पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ में भी और एशियन गेम्स में भी, लेकिन मेडल के होप थे पर लेकिन मेडल नहीं मिल पाए क्योंकि जिस तरीके से हमारी प्रिपरेशन हुआ था उस समय मैं बहुत छोटा था, तब मेरे उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाया था, जबकि मैं वहाँ से अच्छा ट्रेनिंग करना चाहता था लंदन और फ्रांस से अच्छा ट्रेनिंग करके मैं अच्छा और करके इंडिया के लिए मेडल दिला सकता था, पर लेकिन उस समय थोड़ी सी मिस्टेक के वजह से रह गया था। फिर 2011 में पहला वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, तो वहाँ
काफी माहौल, जैसे हम लोग बेस्ट जिम्नास्ट हमारे वर्ल्ड के कोही उचिमुरा, तो उसपे हमने उसको जब देखा तो ऐसा लगा कि हम जब हमेशा वीडियो में देखते थे ये लड़का, जब फिर सामने देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो उनकी भी नेचर बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट, सबके साथ कैसे मिलना, कि सबके साथ कैसे रहना, और सबके साथ वो उनका एक अच्छा नेचर था। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे जिमनास्ट सब देखे तो बहुत नर्वस फील हो रहा था, और जब कंपटीशन के लिए गए, और वो 2012 क्वालिफिकेशन के लिए था हमारा, ओलंपिक के लिए, तो उस समय काफ़ी नर्वसनेस फील हुआ। फिर हम लोग किया, फिर मेहनत किया करता रहा, फिर उसमें हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया से, तो 2012 में कोई कंपटीशन नहीं मिला हम लोगों को। फिर 2013 में फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, तो वहाँ अच्छा रहा था, कंपटीशन अच्छा रहा था, तो वैसे इंडिया जिमनास्टिक लेवल में काफ़ी पीछे आता है। लेकिन अब जो है, अब की जो जेनरेशन आ गया, अब हम लोग क्या एशियन गेम्स, एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप एंड वर्ल्ड कप, तो उसमें हम लोग जूनियर एशियन, तो उसमें हम लोग बेस्ट ऑफ 8 मास आते हैं और फाइनल खेलते हैं। फाइनल फिर उसके बाद के फोर्थ हो जाते हैं, फिफ्थ हो जाते हैं, पर मेडल काफ़ी कम चांसेस रहता है कि बाहर मेडल ले आना पर। लेकिन उसके लिए हम लोग को जिस तरीके से फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जिस तरीके से हमारा जैसे फिजियो और डॉक्टर, जैसे सब कुछ मशहूर, एवरीथिंग, तुम्हारा डाइट ये वो एवरीथिंग, अगर एक अच्छा जिमनास्ट बनने के लिए उसका मेन चीज़ है जो पहला है कि वो कैसे भी करके अपने तरफ से कितना फोकस करता है। आप वर्ल्ड लेवल पे खेले, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे मिला? क्या खुद से स्पॉन्सर रेस करना पड़ा कि फेडरेशन ने मदद की? कैसे आप गए वर्ल्ड लेवल खेलने के लिए? क्योंकि कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेलने के लिए एक फंडिंग होती है, तो वो आपने कैसा था आपका फाइनेंशियल स्टेटस, घर में क्या क्या दिक्कतें थी, थोड़ा आप शेयर करें। जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हमारी टीम, तो वो तो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू से, हमारे फेडरेशन के थ्रू से हम लोग गए थे, वो उनका ही फाइनेंस था। पर लेकिन जो हम लोगों की प्रैक्टिस में और हम लोग जिस तरीके से कंपटीशन में आए और जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो उस समय मेरे पापा टीचर थे एक, तो वहाँ मतलब उतना नहीं हो पाता था, हमारा बैकग्राउंड इतने अच्छे नहीं, हम मिट्टी के घर में रहते थे। फिर हमारा एक बार घर जल गया, तो उसमें हम लोग को 7-8 दिन करीब, मैं इतना छोटा था, तो 7-8 दिन वैसे रास्ते में बिताए, आज भी याद है मेरे को। तो फिर बहुत तकलीफें झेले हम लोग, फिर धीरे 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 सब सेटलमेंट हुआ, और मेरा मन भी लगा कि कैसे भी अच्छा इंटरनेशनल पे कैसे करना है। और अभी जो 2016 में हमारे रियो ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसमें जो अभी 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और थोड़ा सा 25th में रह गया, क्योंकि वहाँ 24th सिर्फ जाते हैं कंपटीशन के लिए, टेस्ट इवेंट के लिए, तो 24th और फर्स्ट रिजर्व में हूँ, और इसका अभी 16 जो है, अभी कमिंग 16 मार्च को उसका नॉमिनेटिव एंट्री के बाद सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो थोड़ा उसके लिए मेरे भगवान से दुआ है कि किसी भी तरह हम लोग भी ओलंपिक में भाग ले सकें और अच्छा करें देश के लिए। खेल देखा जाए तो खेल में कई प्रकार के खेल हैं, पर आपको क्या इंस्पायर किया जो आपने जिम्नास्टिक को चुना? जैसे मैं पहले रेसलिंग भी कर चुका हूँ, जब मैं छोटा था 6 साल का, तो मैं रेसलिंग में जब हमारे वहाँ मिट्टी में होते हैं, तो मेरे बड़े पापा रहते हैं वहाँ, तो उन्होंने मुझे ले जाते थे ऐसे, बच्चे छोटा छोटा था तो वहाँ रेसलिंग ऐसे ऐसे करता था, खेलता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं मालखम में आया, फिर मालखम में भी मैंने 1 साल 1.5 साल किया है। फिर उस समय बहुत छोटा था मैं, फिर
और अभी फिर जब जिमनास्टिक में ज्वाइन किया 1999 में, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि जिमनास्टिक जो है एक जो आर्ट होती है, कला होती है, जो उसको कितनी बेखुदी मतलब क्लीन कर जाना, और मतलब आंख में लग जाती है जिम्नास्टिक एक ऐसी चीज़ है। तो उसमें एक बार प्रैक्टिस होता था, लड़के सल्टो कर रहे थे, हैंड स्टैंड पे वर्क कर रहे थे, फिर स्विंग कर रहे थे, तो मैं देखा बहुत अच्छा लगा। मेरे मामा ने मुझे भी वीडियो दिखाया कि देख मैं भी जिम्नास्ट हूँ, मैं भी जिम्नास्ट था और मैं भी अच्छा ये किया ये वो। तो उनके वजह से जब वीडियो देखा, उनका वीडियो देखा, तो अभी आप जिमनास्टिक कर रहे हो और हर एक एथलीट का सपना होता है कि वो गोल्ड मेडल लाए, तो आपको वो सपना पूरा करने में आपका इंस्पिरेशन क्या है? गोल्ड मेडल के लिए तो काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो, अपना डाइट कैसे बनाना है और अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बनाना है, और उसके लिए हमें उसके अंदर किस तरीके से हमें अपने आप को संभाल के रखना है, वो चीज़ काफ़ी मैटर करता है। और अगर हम कुछ टारगेट रखते हैं और टारगेट को फॉलो करने के लिए हमें डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है कि कैसे उसको हमें हम उस चीज़ को कैसे पा सकें। तो उसके लिए काफ़ी जितने से जितना अपने ऊपर जितना हम पॉजिटिवली हम सोच सकें, जितना हम पॉजिटिव सबके बारे में पॉजिटिव सोचें, अब हमारे बारे में भी पॉजिटिव सोचें कि कुछ भी हो हम कर सकेंगे ना, नेवर तो कोई चीज़ आना नहीं है, येस ऑलवेज येस आई कैन डू इट। आपको जैसा बताया मैंने, वी बिलीव स्पोर्ट्स एक संस्था है जो रॉ टैलेंट्स को सपोर्ट करता है, तो ये वी बिलीव स्पोर्ट्स ने टारगेट किया है कि 100 रॉ टैलेंट्स ढूंढ करके उनको शुरुआती दौर पे उनको पूरा स्पॉन्सर करेंगे, चाहे वो किट हो, चाहे वो आपका ट्रेनिंग फीस हो, आपका डाइट हो, एवरीथिंग विल बी स्पॉन्सर्ड बाई वी बिलीव स्पोर्ट्स। इनफैक्ट अभी जो जिमनास्टिक चैम्पियनशिप से रियो के लिए जिसका सिलेक्शन होगा उसका पूरा एयर फेयर से लेकर सारा स्पॉन्सरशिप वी बिलीव स्पोर्ट्स कर रहा है, तो ऐसी संस्थाएं सामने आ रही है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है और क्या आपका रिएक्शन है? मैं एक बात कहूँ इस पे कि जब हम लोग डिपार्टमेंट वाले हैं जो सर्विसेज से हैं हम लोग, तो जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम लोग थोड़ा वो हो जाते हैं कि अगर हमारी परमिशन मिल जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता कि हाँ परमिशन मिल जाएगा तो ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर आएगा, हम हमारे लिए यूज़ होगा, हमारे अच्छे के लिए होगा, तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है मेरे ख्याल से। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तरफ सर्विसेज है, सर्विसेज के माध्यम से आप जाके खेलते हैं, तो सर्विसेज को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप सर्विसेज को नहीं, आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं एथलीट को, तो डेफिनेटली आपको ही स्पॉन्सर है तो आप ही को मिलेगी। तो एक तरफ एक सर्विसेज जॉब है और एक तरफ आपका ड्रीम है गोल्ड मेडल जीतना, तो वो ड्रीम पूरा करने के लिए उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताइए। तो उसमें मेन चीज़ है जब हम सर्विसेज में आए हैं तो हम लोग बॉन्ड साइन लेके आते हैं, तो काफ़ी इस चीज़ ये सब चीज़ों के लिए भी हमारे जो नेवी है ये भी काफ़ी हेल्प करता है, हमेशा किट हो चाहे कुछ भी चीज़ें हो, जाना आना रहना खाना पीना एवरीथिंग, खर्चा करना, और कहीं पे हमें जैसे फॉरेन कॉस्ट्यूम्स ग्रीप ये वो एवरीथिंग वो देता है नेवी। और हम लोगों को जैसे हम लोग बाहर ट्रेनिंग कैंप करना चाहेंगे तो नेवी के थ्रू से हम लोग जाते हैं, एक एक महीना हम लोग बाहर भी जाते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये चीज़ मुझे देखकर लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, पर लेकिन जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती है तब तक हमें इस तरह भी चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने बॉन्ड साइन किया हुआ रहता है। आपको काफ़ी एथलीट्स देख रहे हैं, काफ़ी जिमनास्ट देखे गए हैं, उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई टिप्स एज अ सीनियर एथलीट, एज अ एक्सपीरियंस एथलीट? उनके लिए मेरा हमेशा एक चीज़ रहेगा कि
कुछ भी चीज करें हमेशा अपने दिल से और अपने दिमाग से दोनों को मिला के अच्छे से करें और कड़ी मेहनत करें और जिस जिस जो टारगेट बनाते हैं उस टारगेट के ऊपर कैसे अपने आप को फॉलो करना है, किस तरीके से उस चीज़ को हासिल करना है, किस तरीके से हमें वो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप उस चीज़ को सोच के एक बार, दिल से सोच के एक बार आप करेंगे तो ज़रूर हो सकता है। हमेशा के लिए मैं बोलता हूँ भगवान है तो अपना भगवान ही अपने फादर मदर ही होते हैं हमेशा, और उनके आशीर्वाद रहेगा तो हर बंदा आगे निकलेगा और हमेशा हमारा देश आगे ही जाएगा। फैंटास्टिक okay,